कांग्रेस अब आ चुका है, लोकसभा के चुनाव लगभग करीब है। साथियों, जरूरत है हमें पुनः देश में एक ऐसे नेतृत्व को चुनने की, देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनने की जो उतने ही कठोर कदम उठाए जिस तरीके से भागलपुर से रांची एक नई ट्रेन की शुरुआत की थी, वो ट्रेन भी आपके इलाके से होके जाएगी। छछा में रुक के रांची से भागलपुर की ट्रेन जाएगी और आज ही उसका शुभारंभ आज ही हो जाएगा, आज ही पहली ट्रेन आने वाली है। इसके अलावा ये नई लाइन का तो शुभारंभ आज करेंगे, उसका आधारशिला आज रखेंगे, लेकिन पट्टा से बानसवाड़ी जाने वाली हम सफर यहाँ से नहीं होके जाती है, लेकिन बिहार के लोगों को सीधा बेंगलुरु तक लेके जाने वाली एक पूरी एयर कंडीशन वातानुकूल ट्रेन पट्टा से बानसवाड़ी यानी बेंगलुरु तक हम सफर एक्सप्रेस यहाँ से शुरू होने जा रही है, जिसकी शुरुआत भी यहीं से हम करेंगे। गाड़ियों का स्टॉप यहाँ से दिया जाए, आज से ही, नोट करिएगा भाइयों बहनों, आज से ही जो आपके यहाँ से हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस जाती है, हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 13021 और 13022, वो आज से ही जमुई में भी रुकेगी। कल से जो रक्सौल हैदराबाद एक स्पेशल ट्रेन जाती है 7005-7006 नंबर रक्सौल हैदराबाद स्पेशल ट्रेन, ये शेखपुरा में रुकेगी कल से। क्या भाई, शेखपुरा भी आपके इलाके का है, जरा जोरदार ताली होनी चाहिए शेखपुरा के लिए। क्यों चिराग जी, जमुई के लोग शेखपुरा के साथ अन्याय करते हैं? और तीसरी ट्रेन धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस 13331-13332, धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस अब सिमुलतला में रुकेगी परसों से।